वालदैन के रवैयों में औलाद के लिए जो नरमी होती है, उस नरमी की वजह से अमूमी तौर पे जो लाड होता है, प्यार होता है, वो फिर इंसान की तबीयत का हिस्सा बन जाता है। और औलाद जब बड़ी भी हो जाती है तो वो वालदैन को उसी तरह से ट्रीट करती है, जबकि उसको ये समझना चाहिए कि अल्लाह रसूल के बाद अगर सबसे फायक हक किसी के हैं तो वो वालदैन के, और इनकी नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है और इनकी रज़ा अल्लाह की रज़ा है। इनको खुश कर देना अल्लाह को राज़ी कर देने के मुतरादफ़ है और इनको नाराज़ करना अल्लाह को नाराज़ करने के मुतरादफ़ है। और ये बात जहन में रखिएगा कि अगर वालदैन राज़ी नहीं हैं तो रब भी राज़ी नहीं है, अल्लाह की रज़ा नसीब ही नहीं हो सकती। आपके अमल, आपकी मेहनतें, आपके सजदे और आपकी इबादतें, रियासतें, चिल्ला कशियाँ, ये कुछ काम नहीं आती अगर वालदैन राज़ी ना हो। तो वालदैन को राज़ी रखने की हमारे दीन ने हमें तलकीन फरमाई की। और ये भी आपको मैं बताऊं कि कुछ आमाल ऐसे हैं कि जिनकी जज़ा और सज़ा आखिरत में देखना होगी, लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं जिनकी जज़ा और सज़ा दुनिया में भी बंदा देख के जाता है। उनमें से एक अमल वालदैन की फरमा बरदारी है। जो वालदैन का फरमा बरदार हो, आप उसकी पगड़ी का कल्स कभी नीचा होते नहीं देखेंगे। और वो गुनाह जिसकी सज़ा आखिरत में तो है ही है, दुनिया में भी ज़रूर मिलती है, वो वालदैन की नाफरमानी है। उस शख्स पे निशान लगा लें जो माँ बाप का बेअदब और गुस्ताख हो, आप उसको दुनिया पे भी रुसवा होता पाएंगे, दुनिया पर भी वो सरखरू नहीं हो सकेगा। दुनिया के ऊपर जितने लोग भी सरखरू हुए हैं, कामयाब हुए हैं, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो काफिर हैं, आप अगर उनकी तारीख पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कि उनके पीछे उनके वालदैन की दुआएं हैं। अगर वालदैन की दुआएं नसीब हैं तो इंसान सरखरू होता है, और अगर वालदैन की दुआएं हासिल नहीं हो पाती तो मेहनतें भी इंसान की अकाल चली जाती हैं। तो ये वो नेकी है, ये वो अमल है कि जिसका सिला दुनिया में भी और आखिरत में भी मिलता है। और ये बदअमली वालदैन की नाफरमानी ऐसा जुर्म है कि जिसकी सज़ा दुनिया में तो है ही है, आखिरत में भी, और दुनिया में दोनों में उसको जो है वो हासिल करना पड़ती है। वालदैन नेकोकार हों, साले हों, पाकीज़ा अमल हों, तो उनकी तो इज़्ज़त औलाद करेगी ही करेगी। वालदैन बुरे ही क्यों ना हों, या वालदैन बहुत गुनाहगार हैं, शराबी हैं और बदकार हैं और आमाले बद हैं, तो उनकी तोहीन नहीं की जाएगी और इस बद आमाली की वजह से उनके लिए दुआ खैर की जाएगी। हत्ता के वालदैन काफिर भी हों तो उनका कुफर अपनी जगह पे, लेकिन औलाद उन काफिर वालदैन की भी तोहीन नहीं करेगी, उनके साथ वो हुस्ने सलूक करेगी वालदैन होने के नाते से। और नेकोकार हों, साले हों, तो फिर उनके तो हुकूक और ज़्यादा आयद हो जाते हैं। तो माँ बाप के साथ हमें हुस्ने सलूक करने की तलकीन की गई है। अच्छा, यहाँ औलाद के लिए कभी मसला बन जाता है, माँ कुछ और कह रही होती है और बाप कुछ और कह रहा होता है। अब औलाद किसकी अतात करे? माँ का हुक्म अलग होता है और बाप का हुक्म उससे मुख्तलिफ होता है। दोनों के हुक्मों को साथ लेकर औलाद नहीं चल पाती, अब क्या करे? उलमा ने लिखा कि पहले तो माँ बाप को ही चाहिए कि औलाद को मुशक्क़त में ना डाले, कि ऐसा हुक्म दे कि औलाद फंस जाए कि माँ की बात मानूँ या बाप की बात मानूँ। एक की अतात से दूसरे की नाफरमानी लाजम आती हो तो बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है। तो वालदैन को इतना ख्याल और इतना लिहाज रखना चाहिए कि उनको मुशक्क़त में ना डालें, ऐसा हुक्म ना दें जो वो बजा ना ला सके, जो उनके लिए पूरा करना मुश्किल हो। और बिलखसूस माँ बाप की लड़ाई के अंदर औलाद जो है वो पिस के रह जाती है, माँ की बात मानी तो बाप नाराज़, बाप की बात मानी तो माँ नाराज़। तो इसमें एक तो वालदैन को ही चाहिए, लेकिन कभी औलाद फंस जाए तो मसला शरी सुन लीजिए, वो ये है कि घर का हाकिम जो है वो मर्द है। तो अगर माँ और बाप दोनों के अहकाम आपस में टकरा रहे हों तो हुक्म मुकद्दम होगा बाप का, तो औलाद के जुम्मे बाप के हुक्म को मानना ज़रूरी है। लेकिन खिदमत में मुकद्दम होगी माँ। जब बाहर से बच्चा आता है तो खाने के लिए या कोई चीज़ या रात को टांगे दबाने बैठता है
तो खिदमत में मुकद्दम माँ होगी लेकिन हुक्म की तामील में मुकद्दम बाप होगा। तो शरीयत इस्लामिया ने हमें ये हुक्म दिया, चूँकि खिदमत में ये जो हदीस मैंने आपके सामने रखी है, तो सहाबा ने हुजूर से जब पूछा कि हमारे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, तो फरमाया उम्मा का, तेरी माँ। फिर कहा सुम्मा मन, फिर कौन, तो फिर फरमाया उम्मा का, तेरी माँ। फिर तीसरी मरतबा पूछा तो फरमाया तेरी माँ, और चौथी मरतबा फरमाया अबा का, तेरा बाप। तो इस एतबार से खिदमत में माँ मुकद्दम है लेकिन तामील हुक्म में बाप मुकद्दम है। तो बाप और माँ ये अल्लाह की रहमतों के दो रूप हैं। अल्लाह ने बाप के सीने के अंदर भी एक औलाद के लिए मोहब्बत का जहाँ आबाद किया है, और माँ की ममता और माँ का प्यार और माँ की उल्फत, ये तो एक कायनात ही अलग है।